Namaste, I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from Geotechnical Engineering, which is determination of coefficient of consolidation. The rate of consolidation settlement is estimated using the coefficient of consolidation CV. This parameter is determined for each load increment in test. The coefficient of consolidation can be determined by Casagrande logarithm of time and by Taylor square root of time method. So basically kya hai ki humne kya kiya tha ab tak Terzaghi ki one dimensional थ्योरी पढ़ी थी. उस थ्योरी में हमने क्या किया था, एक बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी थी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए. उसमें हमने क्या किया था, सीवी को फाइंड आउट किया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम वी, हमारे पास वो वैल्यू निकली थी. सीवी हमारा क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है. अब इस सीवी को डिटरमाइन करने के लिए, ये सीवी क्या करता है, हर एक जो भी हम लोड इंक्रीमेंट करते हैं, हमारे हमने कंसोलिडेशन टेस्ट पढ़ा था, उसमें हम क्या करते हैं, लोड इंक्रीमेंट करते हैं. तो हर एक लोड इंक्रीमेंट पे क्या करते हैं, सीवी को डिटरमाइन करते हैं. तो सीवी को डिटरमाइन करने के लिए क्या हमारे पास मैथड होते हैं, दो मैथड होते हैं. एक होता है लॉगरिथम ऑफ टाइम, जो किसने दिया था, कैसेग्रांडे ने, और एक होता है स्क्वायर रूट टाइम मेथड, जो किसने दिया था, टेलर ने दिया था. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगरिथम ऑफ टाइम मेथड के बारे में, कैसेग्रांडे मेथड के बारे में पढ़ते हैं. तो इसमें मैं डायरेक्ट इस डायग्राम से बात करूंगी. जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, तो ये डायग्राम जो हमारा है वो क्या है, लॉगरिथम टाइम मेथड के बेस का डायग्राम है. इसमें क्या होता है, ये पहली बात ये किसने दिया था, जैसे मैंने बताया कैसेग्रांडे ने दिया था. क्या यूज करके बनाया ये जो मेथड बनाया, वो कैसे ही बनाया, थियोरेटिकल कर्व बिटवीन यू और लॉग टी, यानी कि ये जो यू है और उसके बीच में जो भी लॉग टाइम का लॉग स्केल में हमने क्या किया, कंपेयर करके एक डायग्राम बनाया. ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि ये जो कर्व है, जैसे ये हमको यहाँ पे ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व है ये क्या है, एक तीन पार्ट से मिलके बनावा कर्व है. ठीक है, ये जो कर्व है ये थ्री पार्ट से मिलके बनावा कर्व है. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इनिशियल पोर्शन है, जो कि क्या है, पैराबोलिक शेप का है. सेकेंड पोर्शन क्या है हमारा, ऑलमोस्ट लीनियर है. थर्ड पोर्शन क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड असिम्प्टोट्स हमारा थर्ड पोर्शन है. ठीक है, तो अब हमको ये ग्राफ बनाना कैसे है, कैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यू. तो हमारे पास क्या होता है, जो हमने सैंपल टेस्ट के लिए लिया था, तो हमने क्या किया, उसमें हर एक पे लोड इंक्रीमेंट दिया. तो उस लोड इंक्रीमेंट पे जो जो डायल गेज की रीडिंग आई, उसको लॉग टी यानी टाइम के लॉग स्केल के साथ मैंने क्या करा, ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, जो मेरा ये डी जीरो था, ये जो मेरा डी जीरो निकला, ये जो मेरा डी जीरो था, ये मेरा इनिशियल डायल गॉज था. कब ये इनिशियल डायल गॉज कब का था, जबकि मैंने कोई लोड वहां पर इंक्रीमेंट नहीं किया था, मेरे सैंपल में कोई भी लोड इंक्रीमेंट नहीं किया था. ये तब का क्या था, मेरे पास डायल गॉज पे रीडिंग आई थी. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये मेरे पास बी और सी पॉइंट आए, ये बी और सी पॉइंट मेरे क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी कोई एक आर्बिट्रेरी टाइम में, जैसे कि टी वन और टी टू हम कहते हैं, जिसे हम जो हमने यहाँ पे इस एफ्रिसा में बनाए हैं, कि टी वन और टी टू टाइम पे क्या हुआ कि हमको क्या मिले, हमको दो पॉइंट्स मिले, जिसमें कि क्या था, वर्टिकल इंटरसेप्ट जो था वो दोनों का सेम था. ठीक है, यानी कि वर्टिकल इंटरसेप्ट जो था वो एक्स पॉइंट पे एक्स निकला. ठीक है, मतलब बी और सी हमने दो ऐसे टाइम लॉक पे, टी टाइम लॉक पे, टी वन और टी टू टाइम लॉक पे हमने दो पॉइंट्स लिए, जिनके बीच का जो इंटरसेप्ट था वो कितना था, एक्स था. ठीक है, इस एक्स का था. अब जो हमने इसके ऊपर ये जो डी डैश वाली लाइन ली है, डी जो पॉइंट लिया है, ये डी पॉइंट क्या है, ये डी पॉइंट भी क्या है, सेम इंटरसेप्ट का हमारा एक एक और डायल गॉज की रीडिंग है, जिसमें क्या दिखा, जो क्या शो करती है, जीरो प्राइमरी कंसोलिडेशन को
शो करती है, कैसे जीरो प्राइमरी कंसिडरेशन को शो कर रही है, क्योंकि ये किस पॉइंट पे है, टी जीरो पे है, यानी डायलगोज यहाँ पे क्या है, अभी कोई भी हमने लोड इंक्रीमेंट ही नहीं किया, दैट मीन्स अभी प्राइमरी कंसिडरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये जो रीडिंग है ये क्या शो करती है, हमारा जीरो प्राइमरी कंसिडरेशन को शो करती है। इसका इंटरसेप्ट भी कितना होगा, एक्स ही होगा, जो कि हमारा बी टू सी था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारा ये जो फाइनल पोर्शन है एक्सपेरिमेंटल कर्व का, जो फाइनल पोर्शन है ये क्या होता है, ये जो फाइनल पोर्शन है ये क्या है, एक लीनियर पोर्शन होता है। ठीक है, इसमें जो ये ए पॉइंट है ये क्या है, देता है 100% ऑफ कंसोलिडेशन को शो कर रहा है। ये पॉइंट मेरा क्या शो कर रहा है, 100% ऑफ कंसोलिडेशन को शो कर रहा है। किस पॉइंट पे शो कर रहा है 100% ऑफ कंसोलिडेशन, मेरा जो डायलगोज की रीडिंग है 100%, जब मेरी डायलगोज की रीडिंग है उस पे मुझे क्या शो कर रहा है, 100% कंसोलिडेशन मुझे चाहिए शो कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जो डायल गेज की रीडिंग 100% आई है, यानी ये जो डायल गेज की रीडिंग क्या है 100% आई है, ये किस टाइम पे आई है, मुझे टी टाइम पे आई है। ये टी टाइम कौन सा होगा, फाइनल टाइम होगा जहां पर मेरा कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका होगा उस पर्टिकुलर लोड का, तो वो मेरा क्या होगा, फाइनल टाइम होगा। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या निकालना हो, सीवी निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगी, सीवी के लिए मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला बनता है 0.197 एच स्क्वायर डी आर, डी आर मतलब डायल गॉज की रीडिंग, अपॉन टी 50। ठीक है, ये टी 50 क्या है, टी 50 हमने वो टाइम माना जहाँ पर, जिस टाइम पे जो मेरा डायल गॉज की रीडिंग थी, जो मेरा 50%, यानी दैट मीन्स मेरा जो 50% कंसोलिडेशन था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो वो मेरी क्या है, टी 50 वाली रीडिंग आएगी, तो उसी पे मेरा एच हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और एच क्या, एच डी आर क्या है, एवरेज लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, मेरा एच डी आर है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट टाइम ऑफ टाइम मैथड है, टेलर, ये किसने दिया था, ये टेलर ने दिया था। ठीक है, इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक थियोरेटिकल रिलेशनशिप है, किस किस के बीच में, यू और अंडर रूट टीवी के बीच में एक थियोरेटिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको भी हम इसी डायग्राम से समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, जब जब तक लोड हर एक सेक्शन पे जब जब लोग इंक्रीमेंट होगा, तो डायल गेज की रीडिंग के साथ किस पे बनाएंगे, डिफरेंट टाइम लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या किया था, लॉग स्केल यूज किया था टाइम स्केल टाइम के लिए, इसमें नॉर्मल टाइम इंटरवल पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी रीडिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, इसमें जो ये कर्व शो हो रहा है, ये कर्व क्या शो करता है, ये कर्व मुझे जो भी मेरी रीडिंग्स आई हैं उसको प्लॉट करके बनाया हुआ कर्व होता है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो भी इनिशियल कंप्रेशन है वो आता रहेगा, जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, उस रीडिंग्स को यहाँ पे प्लॉट करते रहेंगे। ठीक है, जो तर्ज़ाकी की थ्योरी ऑफ कंसोलिडेशन था, वो इनिशियल जो ए पॉइंट है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब हमको अगर सीवी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, किस पॉइंट पे निकालते हैं, टी 90 पे निकालते हैं, जब 90% ऑफ कंसोलिडेशन मेरा कंप्लीट हो गया हो, तो उस पे मैं निकालती हूँ सीवी, तो फॉर्मूला क्या होता है, 0.848 एच स्क्वायर डी आर अपॉन टी 90, एच डी आर की वैल्यू का जो एच डी आर है वो मेरा सेम है, एवरेज लॉन्गेस्ट ड्रेनेज पाथ ड्यूरिंग कंसोलिडेशन मेरा सेम है। ठीक है, अब दोनों मेथड की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों मेथड का अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो जो मेरा स्क्वायर रूट टाइम मेथड है वो मोर सुटेबल होता है किन सॉइल के लिए, एग्जिबिटिंग हाई सेकेंडरी कंसोलिडेशन सॉइल्स के लिए। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट टाइम मेथड होता है वो मोर कन्वीनियंट भी होता है जनरली, अगर मैं बात करूँ तो, अगर मैं जनरली बात करूँ तो ये मोर कन्वीनियंट भी होता है। ठीक है, और जो टाइम प्लॉट वाला हमारा लॉग टाइम प्लॉट वाला जो हमारा मेथड था, लॉगरिथमिक टाइम मेथड वाला, तो उसमें क्या होता है, जो वो जो करैक्टरिस्टिक ऑफ शेप है वो ढंग से लोकेट नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू इस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100% कंसोलिडेशन, इसलिए स्क्वायर रूट टाइम मेथड वाला ज़्यादा
हमारा अच्छा होता है, ठीक है। और जो लॉग टाइम मेथड है वो किस सॉइल के लिए बेटर होता है, जिसमें हमको क्या हो करेक्टेड जीरो वैल्यू नहीं शो करनी हो, जहाँ पर हमारा सॉरी शो करनी हो, जहाँ पर कुछ जो भी हमारी करेक्ट स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही हो, ऐसे पोर्शन के लिए हमको क्या करना होता है जो टाइम लॉगरिथमिक टाइम मेथड है वो यूज करना होता है। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Creativity Applications University. Thank you.